अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समरीन सलीम एंड आई एम फ्रॉम सोशियोलॉजी। द टॉपिक ऑफ माय असाइनमेंट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट एक ओल्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक फ्रीडम और लेजिस्फेयर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। यह स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि फ्री मार्केट होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनकी प्राइस बायर और सेलर डिसाइड करें, उनकी डिमांड बायर और सेलर पर डिपेंड करें, ना कि गवर्नमेंट पे। अब हम बात करेंगे उन इकोनॉमिस्ट की जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात की है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज यानी जो वसाइल हैं वो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। इसे क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी भी कहा जाता है। हम इस वीडियो में एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स की थ्योरीज पढ़ेंगे। एडम स्मिथ वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है अगर सोसाइटी चाहती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इस फिनोमेना को समझने के लिए हम पिन फैक्ट्री की एग्जांपल देखते हैं। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर डूइंग द सेम वर्क। कोई स्पेशलाइज टास्क नहीं है वहाँ पर। तो एक वर्कर एक दिन में 20 पिन्स बना रहा है। अब अगर उसी फैक्ट्री में वही 10 वर्कर्स हों लेकिन सबके पास अपना अपना काम हो, यानी कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, तो एक दिन में 48,000 पिन्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। यू कैन सी द डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। बट डिवीजन ऑफ लेबर कैन अकर ओनली आफ्टर द प्रायर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी आपके पास स्टॉक है वो गैदर्ड अमाउंट में मौजूद हो। आप जो मैन्युफैक्चरर है वो उससे टूल्स और मशीन खरीदता है अपनी कंपनी के लिए। जब एक्युमुलेशन होगी यानी कि स्टॉक मौजूद होगा तो मैन्युफैक्चरर उससे ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी ख़रीदेगा। अब उस मशीनरी को चलाने के लिए जाहिर है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स होनी चाहिए, काम करने वाले आदमी होने चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो अपने लेबरर्स की वेजेस बढ़ा देता है ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने के लिए आए। अब क्या है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो उनको हाई वेजेस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट कम हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में एडम स्मिथ कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर को मज़ीद फर्दर डिवीजन ऑफ लेबर करनी चाहिए, मज़ीद स्पेशलाइज टास्क निकालने चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो भी मेंटेन रहे और वो मॉडरेट वेजेस जो है वो लेबरर्स को प्रोवाइड करता रहे। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ वर्कमैन भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और उसके पास प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी में ये कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी का डायनेमिक होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सोसाइटी के अंदर मुस्तकिल चेंजेस आती रहें। अब वो चेंजेस किसी भी तरह की हो सकती हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकती है, ट्रेड की वजह से हो सकती है या कल्चर के ट्रांसफ़र होने की वजह से हो सकती है। तो जब सोसाइटी एडवांस होती है, उसकी वेल्थ इंक्रीज़ होती है, वहाँ पर नए गैजेट्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मशीनरी या टेक्नोलॉजीज़ के अलावा आपके पास लेबर फोर्स भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। अब मिल कहते हैं कि ऐसी एडवांस सोसाइटीज़ के अंदर जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वो पॉपुलेशन स्किल्स और नॉलेज को लेकर आगे बढ़ती है, यानी कि उस पॉपुलेशन के पास एग्रीकल्चरल स्किल्स भी ज़्यादा होते हैं।
जब पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल स्किल्स दोनों ज़्यादा होंगे तो आपके प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। द अदर हैंड, मिल वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन इनके इंक्रीज़ होने को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि मिल के अकॉर्डिंग वर्किंग क्लास अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती है। लेकिन चूँकि उनके पास एग्रीकल्चरल स्किल्स नहीं होते, नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ते, उनकी फैमिली इनकम नहीं बढ़ती, बल्कि उनकी जो लिविंग स्टाइल है वो मज़ीद ख़राब होता चला जाता है। तो ही वॉज एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ बर्थ कंट्रोल टू कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ। कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलासफर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स जो थे वो कैपिटलिज्म के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन के अंदर ये बताया था कि टू क्लासेस, कैपिटलिस्ट यानी रूलिंग क्लास और वर्किंग यानी कि लेबर क्लास जो है, इन दोनों क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आता है वो रूलिंग क्लास के पास चला जाता है और जो वर्किंग क्लास है, जो लेबरर्स हैं, उनको अपनी वही सेम वेजेस हर महीने मिलती रहती हैं। यानी कि गरीब गरीब ही रहता है और अमीर होता चला जाता है। तो वर्किंग क्लास क्या करती है कि अपनी फैमिली इनकम को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है, क्योंकि पास ज़्यादा काम करने वाले होंगे तो ज़्यादा इनकम आएगी। इसे हम कहते हैं सरप्लस पॉपुलेशन। लेकिन लेबर क्लास की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से फ़ायदा जो है वो कैपिटलिस्ट को ही होता है कि उनके पास ज़्यादा लोग काम करने के लिए आते हैं, उनका प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब ज़्यादा लोग काम करने आते हैं, लेबर क्लास बढ़ती है, तो वो उनकी वेजेस जो हैं वो कम कर देते हैं। यानी कि लेबर क्लास की पॉपुलेशन बढ़ाने से उनकी फैमिली इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि उनकी वेजेस मज़ीद डिक्रीज़ हो रही हैं। कार्ल मार्क्स का कहना था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से ओवर पॉपुलेशन होती है। दैट्स वाई ही वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट दिस सिस्टम। सो वट हैव वी लर्न इन दिस वीडियो? We learned about three economists and their thoughts on population growth. Number one, Adam, जिन्होंने कहा था कि population increase के ज़रिए आप अपने capital को भी increase कर सकते हैं through division of labor. While Mill supported Malthusian theory कि rapid population होगी तो doomsday आ जाएगा, यानी कि resources ख़त्म हो जाएंगे, land पूरी occupy हो जाएगी, तो it would lead to doom. और कार्ल मार्क्स का कहना था कि ओवर पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वजह कैपिटलिस्ट सिस्टम है। आई होप यू गाइस हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।